हम जा रहे हैं पैरासेलिंग के लिए, जैकेट पहन ली है, ये देखो इसका मन खराब हो रहा है थोड़ा। हमारा नंबर आने वाला था, एक्साइटमेंट हो रही है। 100 मीटर जाएंगे। कौन संभल के सर नहीं मिलेगा। जरा बंद करो 2 मिनट के लिए। दोस्तों वापिस आ गए हम। हालत देख रहे हो, गीले पीले कैसे आ रहे हैं। अरे ये देखो मुझे कुछ मिला। शेल है ना, ये शेल है। ये देखो भाई बीच पे मिला। और भी है क्या? ये क्या है? ये पता नहीं क्या क्या। अरे जा पकड़ मत ऐसे। पत्थर है। पत्थर है ये? हाँ। ये कैसा पत्थर है? ये देखो ना, ये देखो। हाँ ये दिखाना। ये लेके चले अपने उसमें डालेंगे। ये देखो सही लग रहा है यार। ये देखो और भी है। हाँ पत्थर है ये सारे। ये देखो भाई समुद्री पत्थर। और ये में टर्टल के
टैंक में डालेंगे जान। ओए हाय यार कैसे जा रहा है पानी। हां तो बहुत सारे पत्थर है। हां पत्थर है सारे लाइन पे गिरे पड़े हैं। चलो आ जाओ। हां यूनिक मिला ना तो उठा लूंगी। तो ये पत्थर अच्छे लग रहे हैं। हां ये अच्छे लगते हैं ये ले लेते हैं। ये ले चले। हाँ। थोड़ा पानी साफ कर लेना ये वाले पत्थर और ले लेता हूँ। ये डालूंगा अपने एक्वेरियम के अंदर मैं। अरे बस भीड़ इकट्ठी करेगी क्या लड़की। मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हो गया आज का मेरा। मैंने स्कूबा डाइविंग भी कर ली पैरा सेलिंग भी कर ली। मेरा आज का दिन हो गया पूरा। बाय। आती रहती रह मैं तो जा रहा हूँ। ये देखो पानी देखो। ओए हाय क्या लहरें हैं भाई क्या लहरें आ रही हैं आज तो। वो देखना क्या आराम से पीछे मटक मटक के आ रही है। उसको कोई जल्दी नहीं है ये देख रहे हो। वैसे इसकी तबीयत खराब हो रखी थी। इसका मन कच्चा हो रहा था जी घबरा रहा था इसका। कह रही थी मुझे वापस ले जाओ। और अब देखो जब से इसने पैरा सीलिंग करी ना इसके शरीर में लगी जान आ गई है। चलो सही है खुश रहती है। अब क्या हो गया धोलो उसको ये भी ले चलते हैं। कहाँ गया ये देखो दोस्तों ये मिला है। ये होती ना नेचुरल चीजें। पकड़ो इसको भी। इसमें से कुछ निकलेगा तो नहीं। कुछ नहीं निकलेगा तुम निकलोगी इसमें से। देख रहे हो क्या भरता बना हुआ मेरे हेयर्स का। कैब कर दी हमने। हम जा रहे अपने होटल और वहां पे जाएंगे सीधा पूल में आज ऊपर। अभी सोचा है मेरे तो पूरे शरीर में ना वो समुंदर का पानी लग रहा है। काले लग रहे भाई टैनिंग। ओए ओए ये देख पूरा काला और का। कोई बात नहीं यार। अब मालूम नहीं बेचारेगा तुम्हें कहेगा ये कौन है। हालत क्या हो रही मेरी है। और ये देख कितना काला हो गया। मैंने सनस्क्रीन लगा रखी थी मैं बच गई हूँ थोड़ी सी। इसको सनस्क्रीन से ना अलग ही टाइप की एलर्जी है। सनस्क्रीन लगाता ही नहीं है भाई। नहीं मैं लगा लेता हूँ ऐसी बात नहीं है। मैंने बस आज नहीं लगाई वो भी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि पिछले जब से यहाँ पर आया हूँ ना हर सुबह उठते साथ ही वो चिपचिपी सी सनस्क्रीन लगानी पड़ती है मुझे। अब वो सनस्क्रीन लगाओ पूरी बॉडी चिपची हो जाती है। और मेरी जब बॉडी चिपची हो जाती है शरीर में स्वेटिंग आती है मेरा होता है दिमाग खराब। बहुत सुंदर लग रहे हो। कोई बात नहीं वो मैं सब टैन उतार दूंगा। 3 दिन में टैन उतार दूंगा 75% तक। पता भूख भी लग रही है वहाँ जाके चाय वाय पियेंगे थोड़ी पुल में मंगा लेंगे ऊपर ही। अब क्या करेंगे अब सीधा जाएंगे यहाँ से हम अपने होटल में। होटल से सबसे ऊपर जाएंगे स्विमिंग पूल में वहाँ जाके गंगा जी। लोगों का पुल नीचे होता है हमारा ऊपर है छत पे। वहाँ पे गंगा जी बनी है छत पे। वो पता डर लगता है बड़ा छत पे हम उस दिन गए पूरी इतनी हाइट पे बना हुआ मैं तो डर लग रहा था। अभी दिखाया नहीं ना तुमने। अब सीधा वो पूल पे जाएंगे वहाँ थोड़ी देर नहाएंगे रिलैक्स करेंगे चाय पियेंगे फिर वापस आएंगे। ये देखो दोस्तों एक तो आप पहले देखो ये स्विमिंग पूल कहाँ पे बना हुआ है ठीक है। और जैसे हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं ये देखो इस लड़के का ग्लैमर।